हेलो माय डियर स्टूडेंट, बेटा अभी हम लोग बहुत ही बेसिक कंसेप्ट शुरू करने वाले हैं, यूज ऑफ एम एज आर। और स्पोकन इंग्लिश में ये एक एग्जांपल समझ लो, जैसे कि गाड़ी है और गाड़ी में पेट्रोल ना हो, तो अगर एम एज आर का अगर नॉलेज नहीं है तो इंग्लिश तो बेटा बोल ही नहीं पाओगे, ये फिक्स है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है इसको समझना, यू नो इसमें से हर बच्चा कभी ना कभी तो ज़रूर पढ़ा होगा, बट आई थिंक आज के इतना आसान वे में शायद ही आपने पढ़ा होगा। एक झटके में दो चार लाइन में फुल कंसेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहली बात कि यूज़ ऑफ एम इज आर में यूज़, अच्छा उससे पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं। द मीनिंग ऑफ एम इज आर, हालांकि ये वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करता है, तो इसका मीनिंग एग्जैक्ट निकालना बड़ा मुश्किल है, बट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो कि एम इज आर टू एक्सप्रेस एनी इंफॉर्मेशन, किसी इंफॉर्मेशन को ये एक्सप्रेस करता है, बताने का प्रयास करता है। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हैं, इंफॉर्मेशन मिला ना। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, यहां भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि मैं एक शिक्षक हूं भाई। शी इज अ ब्यूटीफुल, वह अति सुंदर है, बहुत सुंदर है, यहां भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। दे आर रेडी, वे लोग तैयार हैं, यहां भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो देखो यहां आर लगा, यहां एम लगा, यहां इज लगा, यहां फिर से आर लगा। तो यूज ऑफ एम इज आर कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये सब वर्ड हमें इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहे हैं। इस वजह से मैंने यहां पे लिखा कि टू एक्सप्रेस एनी इंफॉर्मेशन, ये किसी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। वेरी गुड, नेक्स्ट। अब देखो सबसे पहली बात आती है कि यार इसकी पहचान क्या, हम समझे कैसे कि कहां पे हमें आर लगाना है, कहां पे हमें एम इज आर लगाना है, या फिर कहां हमें नहीं लगाना है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, जिसको पहचान साधारण सी भाषा में अगर कहा जाए तो। जिस सेंटेंस के लास्ट में हूं, है, हो और हैं इत्यादि, यानी वगैरह वगैरह एटसेट्रा अगर लगा हो तो वहां आप मेन वर्ब के रूप में एम इज आर का यूज करोगे। अंडरस्टूड? जैसे मैं युवा हूं, देखिए हूं आया ना, मतलब क्या यहां पे एम इज आर का यूज होगा। तो हम लिखेंगे आई एम यंग, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, वह अच्छा है, ही इज गुड। अब आपके माइंड में आएगा सर ये तो बताओ कि एम इज आर हम यूज कहां करें, इतना में तो सिर्फ ये समझ में आया कि भाई जिसके लास्ट में हूं, है, हो इत्यादि लगा रहेगा तो वहां पर हम एम इज आर का यूज करेंगे, बट किसके साथ एम, किसके साथ इज, किसके साथ आर, ये भी एक प्रश्न है, है ना। तो आइए अब इसको थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करते। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जो एम इज आर है उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ अगर आई हो तो हम वहां एम का यूज करेंगे, समझ गए। अगर यू हो तो यू के साथ हम आर का यूज करेंगे, आ रही बात समझ में। और ही शी इट, इन सब के साथ इज का यूज करेंगे। फिर भी एक प्रश्न है कि सर ये तो सही है कि आई के साथ एम, यू के साथ आर, बट ही शी इट सबके साथ इज, तो कहां पे किस तरह के सेंटेंस में ही रहेगा, कहां पे शी रहेगा, कहां पे इट रहेगा, फिर यहां पे फंस रहे हो। अब यहां पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि कौन सिंगुलर कौन प्लूरल, आ रही है बात समझ में ना। तो अब सिंगुलर की बात तो हमने कर ली, अब इस सिंगुलर में हालांकि ये देखो प्लूरल ही जो है, तो माना कि चलो सिंगुलर की तरह यूज कर लोगे, शी का जरूरी नहीं है, इट का जरूरी नहीं है। तो आइए आप जानते हैं प्लूरल फॉर्म के बारे में। देखिए प्लूरल फॉर्म जो एग्जैक्टली होता है ब्राउडली मेनली, वो वी है, यू है और दे है, आ रही है बात समझ में। तो जब ही प्लूरल फॉर्म हो तो उसके साथ हम आर का यूज करेंगे, समझ गए। yes, sir. कहां यूज करेंगे प्लूरल फॉर्म? यू, वी और दे, इनके साथ हम आर का यूज करेंगे, आ रहा है ना समझ में बहुत आसानी के साथ। yes, sir. अब देखो फिर से देख लो, यहां
आई रहे तो एम, यू रहे तो आर, ही शी इट रहे तो इज, और वी यू दे। देखो यहां पर भी यू है, यू के साथ आर, यहां पर भी मैं ले लिया। यू क्या है? यू कभी कभी सिंगुलर की तरह भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल की तरह भी इस्तेमाल होता है, इसलिए ये सिंगुलर में भी आ गया, यहां प्लूरल में भी आ रहा है। देखिए यहां यू, यहां भी आ गया। तो वी यू दे, इन सब के साथ हम आर का यूज करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे पहले तो यहां पे एक स्टार पॉइंट दिया गया कि होल सिंगुलर एंड प्लूरल एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन, यानी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये दोनों इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करते हैं। व्हाई, क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं, एम इज आर, और एम इज आर ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह एक्सप्रेस किए जाते हैं। इस वजह से लिखा गया होल, यानी टोटल अगर देखा जाए तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन। जैसे कि हम लोग विद्यार्थी हैं, यहां पर वी क्या है? प्लूरल है। वी क्या है? प्लूरल है। तो वी आर ए स्टूडेंट, हम लोग इंफॉर्मेशन मिला ना भाई कि हम लोग क्या है, एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। तुम लोग तैयार हो, फिर यहां पे देखो यू का इस्तेमाल कैसे हुआ है? प्लूरल में हुआ है। यहां पे देखिए, यहां पर इस सेंटेंस में देखिए, अच्छा दिया ही नहीं गया। जैसे मान लेते हैं तुम खुश हो, तुम खुश हो, क्या होगा इसका इंग्लिश? यू आर हैप्पी। अब यहां देखिए बेटा, तुम यहां पर क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर, सिंगुलर के साथ भी आर आ गया। यहां देखिए, तुम लोग तैयार हो, लोग लगा मतलब कि एक से ज्यादा है, मतलब प्लूरल हो गया, यहां भी आर लगा। तो वही कहा गया कि होल सिंगुलर एंड प्लूरल एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन, वहां भी एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन कर रहा था, यहां भी इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस कर रहा है। आई बात समझ में? तुम लोग तैयार हो यानी कि यू आर रेडी। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये सारा आपको होमवर्क है, डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, इसमें से कुछ सिंगुलर है, कुछ प्लूरल है, ये सारे आपको बनाकर घर से लाने हैं। देख लो, जैसे कि मैं स्टूडेंट हूं, तुम कारीगर हो, वे लोग किसान हैं, हम लोग अमीर हैं, वह अच्छी है, यह मजबूत है, लड़के उदास हैं, मैं खुश हूं, हम लोग खुश हैं, वे लोग प्रसन्न हैं, हम लोग तैयार हैं, वे लोग तैयार हैं, मैं बुद्धिमान हूं, हम लोग बुद्धिमान। देखो सेंटेंस से समझ में आ रहा होगा, बड़ा अच्छा से एडजस्ट किया गया है एक ही सेंटेंस को दो तरह से, ताकि आपको उसमें डिफरेंसेस समझ में आ जाए बनाने में। वे लोग चालाक हैं, समर और समीरा दोस्त हैं, बच्चे प्रसन्न हैं, बाहुबली बहादुर है, मैं साकिब हूँ, वह मोटा है, वह पतली है, अहमद नेक है, वह युवा और सुंदर है, मैं युवा और स्वस्थ हूँ, आप थके और भूखे हैं, वे लोग धनी और दयालु हैं, मोहन और सोहन स्वस्थ व धनी हैं, मोहन और सोहन स्वस्थ व धनी है, यानी हेल्दी एंड रिच। रिच की जगह पे और भी स्टैंडर्ड इंग्लिश है धनी के लिए, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वे लोग व्यस्त हैं यानी कि बिजी, मैं दयालु और ईमानदार हूँ यानी कि ऑनेस्ट, यह मीठा और खट्टा है, तुम एक कलाकार हो, मैं एक विद्यार्थी हूँ, वे लोग डॉक्टर हैं, आप लोग किसान हैं, तुम लोग लड़के हो, आप एक किसान हैं, तुम एक छात्र हो, हम लोग शिक्षक हैं, वे लोग अभियंता हैं, वह पतली और लंबी है। इस तरह से ये सारे सेंटेंस आपको 40 सेंटेंस ओवर पूरा दिए गए हैं, ये आपको बनाकर रखने हैं। ओवरऑल मैं एक बार समराइज करवा देता हूँ, समाप्त। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि जो आपका एमेजार है वो किसी इंफॉर्मेशन को मेक करता है। इंफॉर्मेशन किस प्रकार से, तो मैंने आपको एक एक बताया कि एम के रूप में हो सकता है, आर के रूप में हो सकता है, इज के रूप में हो सकता है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि इसकी पहचान क्या है, तो आपने देखा कि हूँ है, हो है, अगर इत्यादि रहेगा तो समझ जाना कि उसके वो किस सेंटेंस में होगा, एमेजार के सेंटेंस में होगा। और एम इज आर का सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। सिंगुलर में किसके साथ एम, किसके साथ आर, किसके साथ इज, वो बताया गया। प्लूरल में आर किसके साथ लगेगा वो आपको बताया गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर, स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं? एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस प्लीज कॉन्टेक्ट एक्सलेंट स्टडी सेंटर 9546604112।